अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन अंगारा मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मसाला बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं होगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च ली है, 3 से 4 हरी इलायचियाँ ली हैं, 1 टीस्पून लौंग के लिए है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है सूखा, 11 से 12 लाल मिर्चें ली हैं गोल वाली, और इसी तरह से 10 से 12 मैंने सिनेमन स्टिक्स लिए हैं। तो बस मसाला बनाने के लिए हमें यही चीज़ें चाहिए होंगी। इन सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, लो फ्लेम पर हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसे ड्राई रोस्ट करने में, और ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे। यहाँ पे ये रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर दूंगी, पीस लूंगी। तो ये देखें, हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।